इस बैग में क्या 30 kg चला जाएगा? 30 kg ज्यादा कर देगा, हो जाएगा तो उतना मान से बोलिए। ए नानी और भंजा का 60 चुपचाप फेंकना है भंजा का। और भाई आप ही चल लेते उधर में। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो वेदर है असम में वो है 26 डिग्री सेल्सियस, और काफ़ी बढ़िया है आज का मौसम। सो आप देख सकते हो वेदर कैसा है, पूरा बादल छाया हुआ है। सो देखकर ऐसा लग रहा है अभी बारिश होने वाला है। अब बढ़िया ही है अगर बारिश हुआ तो, क्योंकि इतना दिनों से धूप से हम लोग इतना तड़प रहा था कि झरने नदी पे जाना पड़ रहा था, इतना गर्मी हो रहा था। सो लेट्स सी, जब बारिश होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। सो फाइनली बारिश हो गया, आप देख सकते हो बारिश शुरू हो चुका है यहाँ पर। सो फटाफट जाना पड़ेगा, बारिश हो रहा है, इतना ज़ोरदार बारिश हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी इतना गर्मी से हम लोग परेशान हो चुका था और आज फाइनली बारिश हो गया। स्पेशली मैं यहाँ पर लेखा पानी में आया क्योंकि आज पत्ता तुराई हो रहा था, तो इसलिए आना पड़ रहा था। देखते हैं ये बारिश कितना देर तक रुकने वाले हैं, क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना है। ये भाई है पत्ता तुराई करने वाला, तो कुछ लोग तो अभी भी बारिश में पत्ता तोड़ रहा है। अभी नहीं तोड़ेगा क्या पत्ता? नहीं तोड़ेगा, बारिश दे रहा है। हो तब तो क्या करेगा अभी, ये कल को परसों एक बार हफ्ता फिर बाद में तोड़ेगा, हफ्ता में हफ्ता अभी एक हफ्ता बाद तोड़ेगा ये क्या? धूप देने से भी परेशान, पूरे बारिश से भी परेशान हो रहा है। हाँ हाँ तो देखो भाई बारिश हो रहा है अभी असम में, पता नहीं अब ये फिर से कितने दिन तक बारिश होने वाला है। अभी भी कुछ लोग पत्ता तोड़ रहे हैं बारिश में, क्योंकि उन लोग सोच रहा होगा धूप में पत्ते तोड़ने से अच्छा है बारिश में ही पत्ता तोड़े। बारिश नहीं हुआ था तो उस टाइम में तोड़ सकता था। कहाँ गया था इन लोग एक घंटा आगे? खाना खाने गया था क्या? उनका घर तो यहाँ पे है, अभी खाना खाने के लिए उधर जाएगा क्या उन लोग? हाँ हाँ खाना खा के आया, खाना खा के आया बोल के बरसात हम लोग करेंगे क्या? बात तो वो है इतना देर तक रुक गया था, अभी फाइनली बारिश के वजह से सब अभी कैंप के अंदर आ गए। पता नहीं अभी बारिश फिर कब तोड़ेगा इन लोग। तो गाड़ी कब आएगा? गाड़ी 3:30 बजे आएगा बोल रहा था। अभी तो कितना हो गया? अभी 3:05 हो गया है। 3:05 मैंने कितना हो गया? 3:05 हो गया है। 3:30 में आएगा नहीं? हाँ 3:30 में आएगा बोल रहा था। छुट्टिया है ना तुम लोग के पापा का? भेजिए छुट्टिया है भांजा का, ये दोनों बच्चा वही तो हमारा है, वही तो आपका है कपूजा। और अभी गाड़ी आने वाला है तो हम लोग पत्ता भर रहे हैं। अभी फोन किया था 3:30 को आएगा बोला था ना, अभी तक आया नहीं है। नहीं पत्ता भर रहे हैं, वो खाना खा रहा तो वो बोला था अभी। बिजली कड़क रहा है यार, अभी घर जा पाऊंगा या नहीं सोचना पड़ेगा यार, यहीं पे रहना पड़ेगा क्या आज को मुझे? कैसे सोऊंगा भैया यहाँ पे? वहाँ पे भी तो एक जन दो जन ही है, जाना पड़ेगा घर तो हट उसमें कहाँ पे सोऊंगा मैं? ईटा का ईट का ऊपर सो जाऊँ मैं? सारा कैंप तो टूट कर बिखर गया था, अभी कैसे सोऊंगा? पहले तो बेड उड़ था यहाँ पे, उस दिन हवा तूफान के वजह से सारा टूट के बिखर गया था, तो क्या करेगा वो सारा सामान इसलिए लेके चला गया। अभी देखो दोबारा जल्दीबाजी में रिपेयर किया था ये, अभी देख सकते हो ऐसा हालात है। अभी यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा है तो मैं कैसे रहूँगा यहाँ पे, कैसे सोऊँगा यहाँ पर? जाना तो होगा। इतना सर दर्द हो रहा है, पत्ते में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 2 महीने का बाद अभी पत्ता निकला हुआ है वो भी ना, टेंशन है। अभी मेडिसिन का रेट इतना ज़्यादा है, ऊपर से मेडिसिन ढालने वाले को देना पड़ता है। आने वाले महीने से शायद पत्ता अच्छा आएगा ना क्या?
देखते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से भी सारा इतना कीट पतंग आ गया था पत्तों में कि सारा पत्ता ख़राब कर दिया था। सो अभी चलते हैं दूसरी तरफ, वहाँ पर भी पत्ता रखा हुआ है तो उन्होंने पत्ता भर लिया नहीं, और देखते हैं। अभी हेलमेट में पूरा पानी घुस गया होगा ना, अरे इतना कादा है यहाँ पर, देखते क्या होता है सीन। अरे भांजा लोग कहाँ हैं अभी, बुलाओ भाई। और भांजा आ जाओ पाप बैग में, पत्ता भरवा लो। यहाँ पर तो बस इतने ही पत्ता निकला है क्या भैया? दुलार लोग का है, मियाँ बीबी, मियाँ बीबी का, तो भांजा लोग का, मियाँ बीबी का, वो बुराजन का है। वो बारिश रुक गया था, फिर से भी बारिश हो रहा है। पायल इस बैग में क्या 30 kg चला जाएगा? 30 kg ज्यादा कर देगा। हाँ 45। हाँ 45 kg हो जाएगा तो उधर। 45 नहीं आना तो बोलिए। हाँ ठीक है। पायल ये देखिए हमरा इतना सूखा पत्ता है। हाँ फिर भी अभी पत्ता का भी परसेंटेज काट देगा। अभी अगर मैं बैग में 50 kg घुसा दूंगा तो क्या होगा? वो तो है, गरम हो जाएगा। बहुत चिंता तो खाली हमने थोड़ा गलत कर लिया, थोड़ा बाहर रह लो। नया बस करके सबसे अच्छा रहे ना। हां कार कितना हो, नया बस करके आ रहा है सच में यार। आगे में सूरत देखने के टाइम में घुसता रहा बगान में पूरा। हाँ बगान में हम घुसने नहीं सकते है ना, बगान में घुस के देखिए, बगान में हम घुसने नहीं सकते। ये बगान में घुस के देखिए, कहीं आपको कहीं लपेटेगा तो। हाँ बगान में तो बार बार लपेटता है। तो ठीक है ठीक है, 3 दिन बाद आऊंगा, सारा मेडिसिन लेके आ जाऊंगा। मालूम है आपको? हाँ अभी हबी का दो ही मारा। हाँ तो इतना से अपंगा डल ऐसा हो गया है, आपका हबी का दो उसमें जाने नहीं सकते। ये बात तो है। पता छेक देते हैं, पगड़ल काट देगा तो डायरेक्ट आराम से ऐसे मार के आप चला दीजिए। ओ ये बात है। देखो अभी जनवरी में फिर सब डाली उली काटेगा ना, तो उस टाइम में सारा डिटेल्स में सब करना है। चलो भाई अभी पत्ता गाड़ी आ गया, अभी पत्ता भरवाने का टाइम हो चुका है, देखते हैं कितना केजी अभी पत्ता तोड़ने का बात होगा। ये नानी किसका है? नानी देखिए ना भैया कितना केजी हुआ। 29 छोटा छोटा बैग है वो, उसका 2 कर दो। इन लोग बोल रहे हैं 1 kg माइनस करने के लिए बोल रहे हैं, तो काटना है 1 kg काटेगा ना, मतलब पल्ला जीरो है बोल रहे ना, इसलिए इसका ऐसे वाला एक बैग था ना, हाल ही सके थे तेसे बैग को अब कम कर दीजिए। लो कर दो, लिखा है तो नानी का है ना वो, और नानी का ये किसका? पांडू। ठीक है पांडू भैया आप ही चल रहे थे उधर में, नौ दिन बैग पाँच टन है। चलो उधर में चलते हैं। चलो इधर का तो हो गया पत्ता का हिसाब, अभी चलते हैं उस तरफ। फेंकना पड़ता है ना, अगला आदमी तकलीफ होता है ना, बैग चोक तो बैग बैग ले जाने डायरेक्ट जाके ऊपर फेंक देंगे। कल आके दे देगा बोल रहा है, बैग कल ले देगा तो एंटी कर रहा है। एंटी करते हो बैग पहचानते कि नहीं पहचानते आपका बैग? आप पहचान रहे हो, लाल हो रहा ना तो होगा तो मंदिर। कितने वो तो मैं करता है कि नहीं? अरे बैग है हमारा। हां हमारा काकी, ठीक है काकी बैग नहीं है ना? किसका ये? दुलाल भैया का। ये भी दुलाल भैया, दुलाल साटा भाई। हां उठा मां कसम ए उठा, इतना ज्यादा भर देगा तो आपको लेके जाएगा कैसे? निकाल दो ये, वो कर दो फटाफट। डाइवर भैया के तरह इतनी उठा रौडो जाओ भैया। हां फोटो बांध दे, थोड़ा इधर इधर सोइसे लगाए। और भंजा का 6 चुपचाप फेंकना है, भंजा का है वो लाश वाला पूजा का उठो। अंकल लिखा लिखा तो हम किया तो है, एटा तोर से लो। हां 104 केजी काका, भंजा का नाबा का ड्राइवर उठा कर अपने 104 बोलते हैं। पत्ता तो रे सब हो चुका है, यहां रखे रहो उसके बाद में। ओए साइड ऑफ नया बैग। हां नया बैग कितना पीस लाया? नया बैग 5-2 लेके आया। टोटल यहाँ पे कितना बैग जाएगा? 11 बैग। 11 बैग ना, अरे यहाँ उठे के रखना।
चलो पत्ता उत्ता सब गाड़ी में उठा लिया है, अब मैं भी निकलूँगा यहाँ से क्योंकि अभी शाम होने को है। फिर कभी अगर अचानक बारिश हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो अब जाएंगे घर। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।